सच कहें तो हमें ये लोगो बहुत पसंद आए और इसे लॉन्च करने के उपलक्ष में हम एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करने वाले हैं। अरे वाह, वाओ, ग्रैंड पार्टी होगी पापा जी, बहुत मजा आएगा, है ना विक्रम? नहीं 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 नहीं, ये पार्टी सिर्फ मजा करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि व्यापार जगत में और हमारे संगी साथियों को ये खबर लगनी चाहिए कि शुक्ला ग्रुप से बढ़कर कोई भी नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का है, सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाओ क्योंकि आज शाम को ही पार्टी है। हाँ। हाँ। गेस्ट ऑफ ऑनर कहाँ है? फूड पार्क के पार्टनर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने सुना है कृष्णा जी भी एक पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट में, पर वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे जरा सब्र कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हम चंद्रमा को देखने के लिए रात का इंतजार करते हैं ना, तो फिर हमारे चांद जैसे बेटे को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे ये देखिए, हमारा चांद जैसा राजा बाबू आ गया। जरा सा बन ठन के आ जाता है ना हमारा बेटा, तो लोगों की निगाह उससे हटती ही नहीं है। क्रिश देखो ना, कितने सारे लोग कैमरा लेकर आ रहे हैं। चलो अच्छा अच्छा पोज देते हैं। देखिए बाबू को देखते ही सब भाग रहे। ना, ना, ना। हमें छोड़ के ये किसे कवर करने चले गए? वो देखो आ गए मिस्टर समेश शुक्ला और बिंदिया शुक्ला। जी, ये कवार बिंदी आज भी बहन जी टाइप्स कपड़े पहन के आ गई। और देखो ना, इसने अपने साथ साथ सैम को भी कवार बना दिया। और इन रिपोर्टर्स के टेस्ट को क्या हुआ? आई मीन हमारे जैसे हॉट एंड हैपनिंग कपल को छोड़ के ये लोग इन देसी कवार जोड़ी के पास चले गए। आप हमें ये बताइए कि इस लोगो लॉन्च पार्टी में आपने ये देसी पोशाक क्यों पहना है? क्या दिक्कत है ये पोशाक में? ये एक कॉकटेल पार्टी है, इसका मतलब वेस्टर्न थीम। पर हमारा व्यापार अपने देश अपनी माटी से जुड़ा हुआ है। और कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष।
क्रिश्चियन। प्लीज बिंदी, तू ये माटी वाटी की बात बोलकर फेस को कंफ्यूज मत कर। हम यहाँ फूड पार्क का लोगो लॉन्च करने आए, कोई खेत जोतने थोड़ी आए। जो तू ये किसान वाला कॉस्ट्यूम पहन के आ गई। पल्लू, तू गांव में पली बड़ी है पर तुझे जरा से भी जमीनी ज्ञान नहीं है। आप जी, ये हमारी छोटी बहन पल्लू है, इसे खेती का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। तो ये जो हमारा व्यापार है उसमें कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकेगी, बल्कि जमीन से उगाया जाएगा, वो भी खेती करके। इसलिए हमरा और समय जी का ये पोशाक सारे किसानों को समर्पित है। कहे कि किसान ही हमारे व्यापार का आधार है और हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। चलो भाई, कर लेने दो इन्हें पब्लिसिटी स्टंट, ले लेने दो सारा क्रेडिट खुद को। हमें इन सब चीजों से ना तो कोई फर्क पड़ता है और ना ही इंटरेस्ट है। कृष्णा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? समय जी के साथ आपकी भी तो तस्वीर होनी चाहिए ना, कहे कि आप दोनों पार्टनर जो हैं। विद्या जी, रहने दीजिए। उसने कहा ना, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। नमस्ते। इस तरह खेत होगा जहाँ पे सारे अनाज उगाए जाएंगे और इसी तरह उत्पादन का कार्य शुरू किया जाएगा। और वो अनाज यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। हम इस तरफ से उसे इस तरफ लेकर आएंगे। ये हमारी स्टोरेज है और हमारे पास बहुत सारी स्पेस है कोल्ड स्टोरेज के लिए। अगर कम पड़ती है तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स फुल प्रूफ प्लान। इट्स अ वंडरफुल प्लान। होपफुली ये काफी प्रॉफिट भी देने वाला है इन्वेस्टर्स। नाइस। यह जगह को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज भी किया गया है। एक्सप्लेन तो ऐसे कर रही है जैसे फूड पार्क नहीं ताजमहल बना रही हूं। देख रही हूँ बिंदु, इतने अच्छे से व्याख्या कर रही है बिंदिया इस प्रोजेक्ट की। व्याख्या क्यों नहीं करेगी? अरे व्याख्या करने में तो इसे महारत हासिल है। एक सवाल पूछो तो हजार जवाब तैयार रहेगा। और ये भी तो एक कला है ना बिंदु, इतने लोगों के बीच में इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने अच्छे तरीके से पेश करना, ये सबके बस की बात नहीं। भाई हमारे ख्याल से तो बिंदिया के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक बात है ना? हाँ ठीक ठीक। अब ना ये बिंदिया पुराण बंद कीजिए, है ना? जरा मेहमानों को देखिए ना, देखिए सब आप ही को देख रहे। आ जाओ। हाँ।
आप लोगों को कैसा लगा? हेलो, हाय, कंग्रेचुलेशंस कृष्णा जी। थैंक यू। ये क्या तरीका है विक्रम? ना ही रिपोर्टर हमसे कुछ पूछ रहे हैं और ना ही इन्वेस्टर हमें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। अरे हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, all your attention please. आज की पार्टी शुरू करने से पहले हम अपनी कंपनी का लोगो अनवील करते हैं। छोटे पापा आइए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का मौका हम सब के लिए कितना खास है, इस खास मौके पे मैं किसी खास इंसान को यहां स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। बिंदिया जी। बिंदिया जी वो हैं जिन्हें खेतों के बारे में मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है। अगर वो नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाता। उनकी नॉलेज से ही आज हम सब यहां खड़े हैं। बिंदिया जी, आप प्लीज स्टेज पे आइए और ये लोगों को अनवील कीजिए। ओ गॉड, इस सैम की हिम्मत तो देखो, कैसे तुम्हें इग्नोर किया इसने। ये इडियट हमें क्या इग्नोर करेगा, इसकी नजर तो हम पर ही रहती है। अच्छा, तो तुम्हें साइडलाइन करके इसने बिंदी को ऊपर क्यों बुलाया? पार्टनर तुम हो या बिंदी, हर जगह पर सैम और बिंदिया ही छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम तो यहाँ पे तालियां बजाने आए। धन्यवाद समय जी, आपने हमें इतनी इज्जत दी, पर ये लोगों का प्रदर्शन करने का हक इस व्यापार के दोनों पार्टनर का है, इसलिए हम कृष्णा जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए और समय जी के साथ ये लोगों का प्रदर्शन करें। कितनी अच्छी सोच है ना बिंदिया की। अम्मा, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बिंदिया सबको इज्जत देना नहीं बोलती, देखा ना आपने कृष्णा को कैसे इज्जत से बुलाया उसने। अच्छा, और जो सबसे पहले नहीं बुला के इन्होंने जो उसकी बेइज्जती की उसका क्या? और ये समय चमनिया नवाब, बाप रे बाप, देख के तो ऐसा लग रहा है ना जैसे इस घर का मालिक बन के पैदा हुआ है। इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से मालिक बनता है। इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेसमैन बना है हमारा समय, और दूसरों के बेटे तो अपने बाप के पैसे उड़ा करके बापू बनकर बैठे रहते हैं। अरे तो आपका पैसा उड़ा दिया है? क्या बोलना चाह रही हैं आप? इसका मतलब नहीं है कि तुम दोनों झगड़ा बंद करो, तालियां बजाओ। आप दोनों बजाइए ताली। कृष्णा जी आइए ना।
समय जी आइए ना। देखो विक्रम, शांति माँ तान की मम्मी है और उन्हें ना दिन रात शाम की फिक्र रहती है। और एक तरफ तुम्हारी मम्मी जी, अगर तुम्हारी मम्मी को साक्षात भगवान भी आकर बोले ना कि दो वरदान मांगो तो क्या मांगोगे, तो तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी क्या वरदान मांगेगी कि इस दुनिया की सारी खुशियां ना मेरे बाबू को ला कर दे दो। और दूसरा हमारे बारे में जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा वरदान ये हो कि इस यूनिवर्स की जितनी भी अच्छी चीज है ना सब कुछ मेरे बाबू के कदमों में ला कर रख दो। फिर भगवान भी कंफ्यूज, अरे इसे भुगाई की बच जाएगा। और रही बात पापा जी और अम्मा की, वो तो ठहरे जय बिंदिया संगठन। तो अब तुम बताओ तुम्हारा कौन है? ओ कम ऑन साक्षी यार, ये फैमिली हमारी भी है। अच्छा, और ये प्रोजेक्ट? अरे ये प्रोजेक्ट उनका है, उन्हें हैंडल करने दो ना। तुम यार एंजॉय करो ना यार, क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ओवर रिएक्ट? विक्रम मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं। इनफैक्ट तुम्हारे दिमाग में ना जंग लग चुका है जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो साक्षी यार, प्लीज कम डाउन। फाइन, मैं शांत हो जाती हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम मुझे एक चीज बताओ कि आज तक तुमने कितने प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं? क्या कहना चाहती तुम? बोलो क्या हुआ, हो गई ना बोलती बन। अब जरा अपने आसपास देखो, कौन है तुम्हारा? तुम कहीं के नहीं रहे विक्रम। इस घर के बड़े बेटे होने के बावजूद भी ऐसा लगता है तुम इस घर का हिस्सा ही नहीं। अरे हमारी इस घर में कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। थक गई हूं मैं इस इंसल्टिंग लाइफ से। अरे साक्षी हमारी बात तो सुनो। जय किसान जय जवान का उद्देश्य है हमारा। हम चाहते हैं इस व्यापार के माध्यम से देश के हर किसान का विकास हो। जब किसानों का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। बिल्कुल सही। एंड ट्रस्ट मी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये सब तो बहुत इंप्रेसिव है। थैंक यू। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? देखिए मैं बताता हूं। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट के पीछे हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, देश के गांवों की प्रगति। अभी हमने अपना पहला फुटपाथ चिरैया में खोला है और अगर हमारा ये प्रयास सफल रहा तो हम देश के बाकी गांवों में भी ऐसे ही फुटपाथ खोलते जाएंगे। बस आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद। इस फैम का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हर जगह चिपक रहा है बिंदिया से।